इस कोरोना काल में रांची के अंजुमन इस्लामिया अस्पताल में मरीजों की तादाद में काफी इजाफा हो गया है, जिसे देखते हुए अस्पताल में मरीजों की सुविधा के लिए लिफ्ट और डिलक्स कमरे का उद्घाटन किया गया। अस्पताल में इन दिनों मरीजों की तादाद में काफी इजाफा हो गया है, जिसे देखते हुए फिलहाल दूसरी मंजिल तक के लिए लिफ्ट और 60 डिलक्स कमरे का उद्घाटन किया गया। आपको बता दें कि 60 बेड वाला यह अस्पताल गरीब मरीज के लिए एक बड़ा सहारा है। चैरिटेबल संस्था के तहत इस अस्पताल में लगभग 2.5 दर्जन डॉक्टर अपनी सेवाएं देते हैं। अस्पताल में जल्द ही 5 बेड वाला ICU, CT स्कैन, MCI रूम और डायलिसिस की सुविधा प्रदान करने की कोशिश में प्रबंधन लगा है। और सारे लोग लगे हुए हैं इस मुहिम में, लॉकडाउन पीरियड में किसी मरीज को किसी तरह की परेशानी नहीं हो, और जहां तक हो सक रहा है हम लोग अपने ताकत से बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा ले रहे हैं और लोगों का सहयोग कर रहे हैं। अंजुमन इस्लामिया अस्पताल में 15 अगस्त को लिफ्ट का इंतजाम किया गया है, बहुत जरूरत की चीज थी, पेशेंट को दिक्कतें हो रही थी तो इसको लाने ले जाने में उसका इफ्तिताह किया गया है, और यहाँ हम लोगों ने 13 कमरे डिलक्स रूम बनाए हैं, उसका भी इफ्तिताह किया गया है, और इससे लोगों को काफी यहाँ OPD में पेशेंट बहुत आ रहे हैं, कुछ सर्जरी वाले भी आ रहे हैं, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रांची ब्यूरो की रिपोर्ट, ATN लाइव इंडिया।